नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप जहाँ में होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज 22 तारीख है और हम अपनी जर्नी से वापस 14 तारीख को घर आ चुके हैं। 14 तारीख के 10 बजे रात को घर आए हैं। उसके बाद से कोई भी वीडियो हम अपलोड नहीं किए हैं। वो जर्नी की जो वीडियो थी वही अपलोड हुई है। घर की कोई भी वीडियो हम शूट नहीं किए हैं। घर पे आकर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किए हैं। और आज 22 तारीख है, आज वीडियो हम शूट कर रहे हैं और ये ब्लॉग कल यानी 23 को अपलोड होगा। तो घर पे वो भी सुबह सुबह कहाँ से स्टार्ट किए हैं, खेतों से। अपने फिलहाल इस समय सिवान में अपने गाँव के और खेतों पर हैं, तो खेत से ही आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:00 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह से आप दिन भर की अपनी दिनचर्या आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल देखिए, सामने ये अपना ट्यूबवेल ला और ये वाला प्लॉट जो है एक खेत अपना है। इसमें सरसों और गेहूं दोनों लगाया गया है। फिलहाल देख सकते हैं पाइप लगाए हैं पानी के लिए, इसमें पानी लगाना है। ऊपर बादल है तो अभी नहीं लगा रहे हैं कि अगर बारिश हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो लगाएंगे। अब क्योंकि बारिश होगा तो हवा चलेगी तो गेहूँ गिर जाएगा। तो फिलहाल ये प्लॉट है, आगे से ऐसे हुआ है, फिर और इस वाले प्लॉट के लास्ट में वो सरसों वाला प्लॉट है अपना, उसमें पानी लगा है तो हवा चली थी तो गिर गया है हल्का सा, तो इसी डर से इसमें अभी नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी आज की दिनचर्या पूरा दिखाते हैं। फिलहाल सुबह से अब स्टार्ट हो गया है खेतों से ब्लॉग शूट करना। तो पानी लगाना है तो ट्यूबवेल पे ही, इसलिए रात को हम सोए थे। देखिए अपना ट्यूबवेल है खेतों में, इसी पे रात में सोए थे। ट्यूबवेल में चौकी पड़ी है और ये देखिए वायर इकट्ठा करके रखे हैं, बिस्तर विस्तर भी है। अब लाइट लेते हैं, पानी पहन देते हैं, रात में फिर तो आना पड़ेगा। टॉर्च ले लिए, चलते हैं अब घर। लॉक किया जाए पहले इसको। तो ट्यूबवेल ला करके चाबी ले लिए, देख सकते हैं ताला लग गया। अब चलते हैं घर। और ये देखिए सीधा रोड से जाना है, रोड है, खेतों पे आया है और रोड से सीधा ही घर चलना है। तो फिलहाल इस रोड से घर पे चलेंगे। और देखिए सामने ये गांव जो इधर दिख रहा है, ये अपना गांव है। यहाँ से करीब 600-700 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए घर चलते हैं। लेकिन उधर यार ठंड नहीं थी, गांव में ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल ठंड है। आप देख सकते हैं हम स्वेटर पहने हैं और नीचे चड्ढा पहने हैं, पैंट नहीं पहने हैं, चड्ढा। तो गांव की ज़्यादातर लाइफ ऐसी ही होती है यार, चलती रहती है। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक खेत में पानी लगाए लग रहे हैं और हवा चली है, आगे गेहूँ गिर गया है, इसी की डर से हम उसमें पानी अभी नहीं लगा रहे हैं, क्या करें। तो आइए आज अपनी दिनचर्या दिखाते हैं और फर्स्ट ब्लॉग शूट होगा जो हम अपने घर पे कर रहे हैं। दोस्तों जिस रोड पे भी चल रहे हैं इसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में यानी कि अपनी भोजपुरी भाषा में, अपने यहाँ की भाषा मातृभाषा में इसको चक रोड बोलते हैं। चक रोड यानी कि खेतों के बीचों बीच से निकाला गया रोड, चक रोड। एक कच्चा रोड है, ये मिट्टी का रोड है, आगे मेन रोड पड़ेगा पक्का रोड जो गिट्टी का बना है यानी सीमेंटेड और पिच का। तो करीब 350 मीटर चलकर मेन रोड के पास आ गए। देखिए ये है मेन रोड, ये सीधा अंतर गांव को जाएगा या इधर मोहम्मदाबाद सिटी पड़ती है उधर जाएगा, और इधर से ये जैनपुर सिटी पड़ती है उधर जाएगा। तो हम अपने गांव यानी मेरे गांव का नाम अलियाबाद कटाई है और हमारे गांव में हम लोगों की जो बस्ती है यादव बस्ती, वो मेन रोड पे है। यादव लोग मेन रोड पे निवास करते हैं, तो मेरा घर भी मेन रोड पे ही है। तो अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी करीब 300 मीटर होगा घर। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। और फिलहाल यहाँ की लहलहाती फसल आप देख रहे हैं, ये पीछे सरसों की खेती इस समय जो कि पीली हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कुछ दूरी चलकर अपने एक प्लॉट के पास आ गए हैं। देखिए रोड के पास ही एक प्लॉट पापा ने खरीदा है,
करीब 3 साल हो गए होंगे। आगे बड़े भैया हैं हमारे जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी को इसको बराबर किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक चौकी पड़ी, यहाँ पे पापा थे रात में, देखिए पापा आ रहे हैं हमारे। और यहाँ पे क्वार्टर्स बन रहे हैं रोड पे, दुकान के लिए, नॉर्मली बिजनेस के लिए, उस पर काम चल रहा है घर का। और ये छोटा प्लाट नहीं है, बड़ा है। ये आप सरसों देख रहे हैं पीछे, ये आगे तक इधर तक है अपना। उधर ये प्राइमरी का स्कूल बना है, उधर कोने से लेकर इधर यहाँ तक अपना ये प्लॉट। इधर भी रोड गया है, यहाँ सीसी रोड आगे गांव में चौहान बस्ती में गया है, और ये मेन रोड है अपना। तो रोड एल टाइप रोड पे ये अपना प्लॉट है। फिलहाल मिट्टी बराबर करनी है, तो मिट्टी हम लोग अब बराबर करेंगे, जो कि हमारी भाषा में यहाँ पे भाषा में हमारे यहाँ 3 शब्द चलता है, बिस्सा, मंडा और बीघा। तो ये बिस्सा में बात करेंगे 6 बिस्सा, अगर मंडा में बात करेंगे तो 3 मंडा, और कड़ी में चलती है तो 28 कड़ी का 1 बिस्सा होता है। और कड़ी में जो लोग जानते होंगे वो 28 कड़ी का 28 × 6 कर लेना, तो उतना एक कड़ी है। तो फिलहाल ये रहा अपना प्लाट, इस पर मिट्टी का काम अभी बराबर करेंगे, बराबर हो जाएगा तो इसको ये बीम बनाकर इसको बनाया जाएगा घर क्वार्टर्स के लिए। फिलहाल ये लोग मिट्टी फेंक रहे हैं भैया पापा, हम चलते हैं घर। लाइट वाइट रखेंगे, चाबी अभी चाय पीकर फिर वापस आएंगे। अभी घर यहाँ से आगे है 100 मीटर, हम घर चल रहे हैं चाय पीने के लिए। तब तक हमारी अम्मा, हमारी माता जी देखिए चाय लेकर आ गए, लेकिन 2 ही ग्लास लाई हैं, मतलब 2 ही कप, एक भैया के लिए एक पापा के लिए। तो हमें चलना पड़ेगा घर, घर चलेंगे, टॉर्च और चाबी भी रख देंगे ट्यूबवेल का, और चाय पी कर आ जाएंगे। क्या बड़ी माटी उठा के होई में डाल डालोगा, होई में खलका में डाल डालोगा। भाई साहब घर की मालकिन है और यहाँ की गाइड, देखिए गाइड कर रही है ऐसा ऐसा करना है। इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत भी हो जाती है। तो आइए पहले चलें घर, टॉर्च रखें, चाबी रखें, चाय पीकर फिर वापस आए। हमारे गांव जैसे आएंगे मेन रोड पे ही, यहाँ पे सामने आपको पड़ेगा श्री रामचंद्र जी का मंदिर। ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर, और ये दशहरा मैदान है इधर, और इधर बगल में खाद का उर्वरक का गोदाम है सरकारी। तो ये रहा कुछ घर के पास का हमारा लोकेशन, और मंदिर भी आप देख सकते हैं। और देखिए एक कुछ पलटन यहाँ बैठी है, ये हैं मिस्टर बलबीर यादव, उधर उनकी माता जी हैं, और ये हैं मिस्टर भीम यादव। ये गुजरात में सूरत में जिनके हम यहाँ रहे थे, मिस्टर पिंटू यादव, उनका घर यही है। इनके वो बड़े भाई हैं, 3 भाई हैं ये लोग फिलहाल। और ये देखिए इनके पापा यानी ये चाचा जी हैं। तो फिलहाल इनका ये घर रहा, ये पूरा इधर से आप जो देख रहे हैं, इधर से लेकर इधर अपने ख़ानदान के हैं। इधर ये कुछ 7-8 घर से ऊपर ही होंगे, अपना ख़ानदान है। और आगे ये पक्का वाला मेरा घर है। और देखिए 2 वहाँ से बंदे चिल्ला रहे हैं कि वीडियो बनाइए, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। ये देखिए उम्र में हमसे छोटा होगा, लेकिन मेरा काका है यानी चाचा लगता है मेरा, वो चिल्ला रहा है। घर की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो मेन रोड पे घर है यार, अच्छा लगता है, मेन रोड का मज़ा अलग ही होता है गांव में रहने से। क्या चाचा सही कहते कि ना, गांव में ज़्यादा मज़ा आ कि रोड पे ज़्यादा मज़ा आ? रोड ही पर देखिए चाचा हैं, चाचा कहते हो कि रोड पर ज़्यादा मज़ा आओ। भाई साहब मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी में भी बात करना पड़ेगा, हिंदी में तो लोग समझ जाएगा गाँव वाले कहीं किस तरह हीरो बना था वो जो। और देखिए एक चाचा जी हैं ये फोन में लगे हैं। तो आइए घर चलते हैं। और देखिए ये हमारा घर है, मेन रोड है, हल्की सी बारिश हुई तो आगे पानी लगा है थोड़ा सा। और देखिए मेन रोड पे हमारा ये 2 मंजिला मकान है, एक भैंसिया है, एक उसकी बड़ी बेटी है बड़ी पड़िया, एक छोटी बेटी छोटी पड़िया, 2 पाड़ी, 1 भैंस, दूध दही मिल रहा है घर पे, कोई दिक्कत नहीं यार। सामने कृषि के लिए एक ठेला रखा गया है, और खाट है नॉर्मली बैठने के लिए। तो लाइट चाबी रखते हैं,
फिर चलते हैं खेत पे चाय पीकर। फाइनली किचन में घुसकर अपना चाय लेकर आ गए हैं। अब चाय का आनंद लिया जाए, उसके बाद फिर काम पे भिड़ा जाए, यानी कि मिट्टी डाला जाए। तो आइए चाय का आनंद लेते हैं, देखते हैं कैसा बना है। फिलहाल मस्त है, चाय बढ़िया बना है। सुबह सुबह चाय की चुस्की यार हो जाए तो मूड फ्रेश हो जाता है। भाई साहब चाय की चुस्की ले लिए, अब जल्दी से जल्दी काम पे चढ़कर भिड़ा जाए, नहीं तो घर वाले बैंड बजाने लगेंगे। फिलहाल आइए दिखाते हैं, यही है हमारे काका, यही दूर से चिल्ला रहे थे। ये उम्र में हमसे छोटे ही होंगे लेकिन हमारे पद में चाचा लगते हैं। गांव में पद की बहुत गरिमा होती है और ज़्यादातर आप जानते हैं ये ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ये भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल के इंसान हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल के, और ऐसे व्यक्ति हैं इनसे सबसे बनता है, छोटा हो बड़ा हो, गांव का हो बाहर का हो, इनसे सबसे मिलजुल रहता है। और उसमें भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है, ये घूमते बहुत हैं, डेली 100-200-300 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। जाएंगे 10 किलोमीटर, डालेंगे फेसबुक पे स्टेटस कि 200 किलोमीटर जा रहे हैं। जाएंगे यहाँ से मोहम्मदाबाद, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर, और फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे कि घोसी टू गोरखपुर, यानी कि 100 किलोमीटर जा रहे हैं। मोहम्मदाबाद टू वाराणसी यानी काशी बनारस 100 किलोमीटर जा रहे हैं। ऐसा फेंकते हैं, ये भी बहुत फेंकने वाले, मोदी जी की सेकेंड कापी है ये भी। देखिए हमारे गाँव के, और फिलहाल देखिए इधर एक चाचा जी हैं, ये लगे हुए साफ सफाई में। कहा हो दादा, सुबह सुबह लगी ला तू कहाँ हो, सुपौन तू सफाई अभियान चालू कर देला का। देखिए हमारे चाचा जी ये भी, ये घर के बगल में सभी लोग पड़ोसी हैं, सुबहियाँ सुबहियाँ भी लगे हैं। तो चलिए हम भी अपना काम स्टार्ट करें मिट्टी वाला, नहीं तो घर वाले बंड बजाएंगे। भाई साहब हमारे यहाँ की मातृभाषा जो है भोजपुरी है, जो मदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे ज़्यादातर मदर लैंग्वेज कभी भी उपयोग होगा नहीं करेंगे। गमो वाले कहेंगे सरोबड़ का हीरो बैल हूँ, 6 महीना घूम के ही नहीं था अपने आप को उत्तू समझा था वहाँ, ऐसा बोलते हैं। तो भोजपुरी लैंग्वेज का उपयोग कर। और ये देखिए ये हैं भीम जी, हमें ये बात पता नहीं थी, हम देखते थे, इसने बताया कि वो ऐसा डालता है। और ये हैं मिस्टर अवनीश यादव, ये भी बेचारे घर मनवा रहे हैं, इनका देखिए इतना काम हो चुका है, ऊपर भीम की ढलैया हो चुकी है, हमारी करवानी है अभी। क्यों अवनीश जी बहुत फास्ट चल रहा, डायलॉग मार रहा है बंदा, इसका डायलॉग थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। हाँ बोला भीम, अब देखिए भाग गया। हमारे गांव के बंदे कुछ हो या ना हो लेकिन डायलॉगर बहुत बड़े वाले हैं। और ये बिलिए, ये दो लोग हैं, एक का क्या नाम है आपका, पीयूष जी हैं, और ये जो हैं सिद्धि जी, ये हमारे खानदान में सरवन जी के सुपुत्र हैं, सरवन भैया के दोनों लड़के हैं। इधर देखिए फोन पे बात चल रही है चाची की, हमारा अम्मा के देखिए गिलास लेकर अभी घूम रहे हैं। हाँ देखिए भाई साहब ऐसे ही बैंड बजती है गांव में। भाई साहब काम करते करते बैंड बज जा रही है, क्या करें, काम है करना पड़ेगा। फिलहाल जो मिस्त्री लेवल लगे हैं वो 3-5 कर रहे हैं अभी, तो वो लेट करते जा रहे हैं, तो सोचा गया जब तक वो वेट कराएंगे तब तक कुछ काम कर लिया जाए। फिलहाल देखिए नीचे बीम पड़ेगी तो उसकी नाली हम लोग साफ कर रहे हैं, वो आगे पिलर खड़ा किया गया है, इसके बीच ऐसे ऐसे मतलब जहाँ जहाँ है हम लोग नाली बना रहे हैं इधर, ऐसे आप देख रहे हैं तब तक। अब कल परसों जब वो लोग आएंगे तो वह काम प्रोसीड किया जाएगा। फिलहाल जितना हो सके उतना हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। 10 बज रहे हैं सुबह करीब, हम 7:30 बजे से भिड़े हैं। ये लोग तो भैया पापा पहले से भिड़े थे, अभी भैया काम कर रहे हैं, पापा वहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, भैया का लड़का बाबू भी है वहाँ पे, तो फिलहाल काम जारी है। यार ज़्यादा दिन के बाद फावड़ा वावड़ा चला रहे हैं तो देख सकते हैं आज मिट्टी लगी है, हालत ख़राब हो जा रही है, माथे पसीना देख सकते हैं, टी शर्ट पहने हैं जबकि ठंड मौसम ठंड का अभी है, काफ़ी नमी भी है मौसम में, देख रहे हैं आप लोग।
बाहर तो ब्रश करते थे, घर पे भी ब्रश करना पड़ रहा है। सोचते थे कि घर पे चलेंगे तो खूब आराम से दांतों से करेंगे, लेकिन क्या करें, दांतों तोड़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। सुबह से जाओ अपना काम में लग जाओ, घर का जो काम चल रहा है। अब घर पे आए भाई तो जो काम चलता है उसमें लोगों के साथ पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। ऐसे आप बैठ सकते सो नहीं सकते, घर का ये रूल है, सभी लोग जानते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, 10:30 हो रहे हैं, ब्रश कर लिए, अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चल के वहाँ पर काम किया जाएगा। काम लगा यार, बैंड बजी है, कोई बात नहीं यार। लेकिन बाहर थे तो बाहर इससे अच्छा था, जब घूम रहे थे हम करीब सुबह 9 बजे तक हम ब्रश करके निकल लेते थे अधिकतर, बहुत कम ही ऐसा हुआ 9 बजे के बाद हम ब्रश किए हों। खैर कोई बात नहीं, ब्रश व्रश लगते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं। खैर हमारा घर 2 मंजिला है, 2 मंजिला, और हमारा रूम जो है 2 मंजिले पे ऊपर वाला है रूम है। देखिए हमारा एक रूम है, छोटा सा रूम हमें मिला है, जहाँ पे अपना सामान पड़ा है। इधर एक हैंगर है, यहाँ कुछ सामान कपड़े टांगे हैं, इधर अपना बैग पड़े हैं, देख सकते हैं। इधर तो स्लीपिंग बैग, कैंपिंग टेंट, एक बड़ा बैग, ट्राली बैग है। नीचे हमारा पढ़ने वाला स्टैंड है, पढ़ते थे इसको लिए थे, 2 है। ये देखिए ये पैड है और ए स्टैंड है। एक चेयर भी रखे हैं, कपड़े पे देखिए कैसे बिस्तर उस्तर पड़ा है। हमारी बुक्स देखिए, नोटबुक से है, ये दोनों बुक मैथ की हैं जो देख रहे हैं, मोटी मोटी, एक TGT की है, एक 1 डे एग्जाम की है। इधर देखिए ज़्यादातर इसमें भी आप देखेंगे मैथ्स की बुक है। ये कहाँ से, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर इधर सारी ये मैथ्स की बुक है। ए बुक से लेकर आप देखिए गणित गणित मैथ मत लिखा होगा यहाँ तक, ऊपर ये बुक्स कुछ हैं। इधर प्रेस रखे हैं, उधर भी अपने कमरे, इधर हैंगर है, इधर भी अपने कपड़े टंगे हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, कुछ खाया पिया जाए। हमारा घर बना है दाल चावल रोटी सब्जी, तो देखिए और देखिए ये दाल चावल रोटी सब्जी, हम अम्मा चाची इन लोगों के लिए, और बहुत से लोगों की नज़र में गांव में फर्जी काम होता है बेवकूफ़ ना वाला जो आप कर रहे हैं, तो खाली काम कर रहा है। सुनिए हमारे माता जी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हो अम्मा बोला? वो तो है कि काम पे मतलब का काम कर ले, ये मतलब का काम है का अरे पूजा होता मिला था कुछ उसे बाद में मिली, बाद में अभी ना, ये घूम घूम कर तो के मिली मिला था तो के भैया अम्मा ये पूरी याद यही है। मतलब भाई साहब गांव वालों की नजर में, घर की नजर में ये चीज खराब है जो हम कर रहे हैं। चल खाना खाते हैं, बाद में बात करते, नहीं तो ज्यादा तो मार बस जान दे भाई अबे भैया खाना खा लेते तो बहुत मार मार आ जाएगी बब्बू। आप लोग सोचते हैं कि हम घर पे करीब 14 से ही है, आज 22 है, नियर अबाउट 8 दिन हो गए, क्यों नहीं हम वीडियो शूट करते हैं और क्यों ना ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, बहुत लोग सोचते होंगे। तो इसका रीज़न था आपने जो देखा ही, यहाँ पे हमारे घर वाले एग्री नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम ब्लॉगिंग में कोई कुछ भी करें, ये लोग फालतू काम इसको समझते हैं, और हमारा समाज ये ऐसा है जो समझेंगे, क्योंकि उनका दोष नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ का कोई बिजनेस ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई व्यावसायिक पढ़ाई नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब को महत्व देते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। और उसका रीज़न भी है दोस्तों, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं, ज़्यादातर लोग परेशान है, क्या करें, उनका गवर्नमेंट जॉब पकड़ना मजबूरी भी है, क्योंकि वो सिक्योर एक माना जाता है, वो है भी। तो इसीलिए ये ब्लॉग व्लॉग शूट करना, वीडियो शूट करना, कोई भी यहाँ के हिसाब से लोगों की नज़र में ख़राब है, हमारे घर वालों की नज़र में भी ये सही नहीं है, और गांव वालों के और दोस्त मित्र जो है, इसीलिए मैं शूट नहीं करता, बहुत कम कर रहा, बहुत कम क्या, मैं यहाँ घर पे पहली बार शूट कर रहा हूँ, अपने घर पे फर्स्ट ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। तो यही सब रीज़न रहा जो आपने देखा। खैर छोड़िए, ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, साथ में भी बहुत कुछ अभी झेलना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं है, तो होता रहेगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। शाम के करीब 3 बज रहे हैं,
सोचे हैं कि यार बार बहुत गिर रहा है, मेरा बाल ज़्यादा है नहीं सर पे, वैसे भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है यानी झड़ रहा है, काफ़ी झड़ भी चुका है आप देख ही सकते हैं। तो सोचे कि मुंडन करा लें, टकले होकर घूमेंगे टकते रहेंगे। तो आए दुकान पे, दुकान बंद है अभी, आज पूरी बंद रहेगी, कहीं गया हुआ है बंदा। तो अब कल आएगा काश, तो कल बाल बनवाया जाए क्या। तो तब तक चलते हैं आगे, यहाँ का हमारा एक अड्डा है, अड्डा क्या कह सकते हैं, किराना स्टोर है, वहीं पे हम ज़्यादातर पेपर पढ़ते हैं। अब उन्हीं के पास चलते हैं, दुकान में बैठेंगे, पेपर पढ़ा जाए। हम घर पे रहते हैं तो पेपर पढ़े पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल से विकल्प छूटता है। मेरे पेपर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। वहाँ से भैया बड़े हैं, चलेंगे पेपर पढ़ेंगे आगे दुकान पे। फिर बीच रास्ते में रुक गए, बीच रास्ते में क्या है, पूरी अपनी चट्टी है तो ये दुकान है अंडे की। तो फिलहाल हम तो मीट मछली खाना छोड़ दिए हैं, जो कि पहले खाते थे, जब स्टॉल कर रहे हैं छोड़ दिए हैं। तो अंडा खाते हैं नॉर्मली, तो ये एक रोल है। तो भूख लगी थी, शाम का वक्त है, तो आ गए भाई साहब के यहाँ, एग रोल बनवाए हैं, अब इसको खाएंगे। सर देखिए इनकी दुकान है ये, इन गांव के ये भी हैं अपने चौहान बस्ती के, तो यही सिस्टम है। और फिलहाल एग रोल हमारा बहुत फेवरेट भी है, हम 3-4 दिन से कंटिन्यू खा रहे हैं ना, 3-4 दिन से कंटिन्यू खा रहे हैं भाई। और ऐसा एक चीज़ है, भूख लगी है ना तो आपको पेट भर देता है, एक खा लोगे आप तो। खराइए खाते हैं। तो फिलहाल संजय भैया की दुकान पे आ गए हैं, देखिए ये हैं संजय भैया जी। फिलहाल सूर्य भगवान पीछे हैं तो वीडियो इनका क्लियर नहीं आ रहा, इधर से क्लियर आ रहा है देखिए। तो ये हैं संजय भैया, इनकी दुकान पे आ रहे हैं। ये हमारा पेपर पढ़ने का बहुत फेवरेट प्लेस है, इसका रीजन है कि इधर इनके पास थोड़ा सा स्पेस भी, चौकी तो इधर जगह है, इधर शांति से जगह, चेयर लेकर इधर बैठ जाते हैं। और साइड में इनका एक किराना का दुकान है, इधर किराना स्टोर। तो इनके हम ज़्यादातर आकर यहाँ पे अपने चट्टी पर पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि हमने आज आकर यहाँ पे पढ़ चुके हैं, करीब 4 बजने वाले हैं, अब पेपर भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद चलेंगे घर पे, नहाए नहीं है यार सुबह से, नहाए आएंगे। फिलहाल वहाँ से चले हैं तो सोचे हैं घर पे चल के नहाएंगे धुलेंगे। आए भाई साहब जैसे रुके हैं, कुछ लोग से बात कर रहे थे, तुरंत भैया मिल गए हैं, चले गए वापस। फिर घर में मिट्टी डालने लगे हैं, मिट्टी डाल के आए, जैसे अंधेरा होने वाला था आकर, जस्ट अभी नहाए हैं धुले हैं। इस टाइम अंधेरा हो चुका है, आप लोगों को बाहर दिखा सकते हैं, देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है। तो फिलहाल बाहर अंधेरा हो चुका है, इतने टाइम हम अभी जस्ट नहाए धुले हैं। रूम में ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर ठंड है, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठंड है। ठंड इतना है कि हमें जैकेट और या स्वेटर पहनना पड़ेगा। फिलहाल रात के करीब 7:30 बज रहे हैं और खाना पीना हो गया है। खाने में नॉर्मली रोटी और आलू मटर की सब्जी बनी थी, खाना खा चुके हैं। और हाँ, घर पे भैंस है तो इस समय दूध मिल रहा है, तो घर का ताज़ा फ्रेश दूध पी रहे हैं। मिला है लोटे में, देख सकते हैं ये हमें दूध मिला है। पापा भी इधर खाना खा लिए, वो भी दूध खा पीछे, तो वो भी दूध दूध खा लिए हैं। फिलहाल रूम के लाइट नहीं जल रही है, इसका जो बल्ब है वो ट्यूबवेल पे लगा हुआ है, तो इसमें डीम लाइट जल रही है, तो ताज़े दूध का मज़ा ही कुछ और है, मार्केट के दूध में उसमें बहुत फर्क है। फिलहाल देखिए रात को सामने से हमारा घर ऐसा दिखता है, ऊपर लाइटें जल रही है, 2 मंजिला है, ऊपर भी लोहे की रेलिंग है और नीचे भी, खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा नॉर्मल सा अपना घर है। इस घर का नींव हमारे पिताजी ने रखा है, वही बनवाया है, सब कुछ नहीं कहा, हाथों से हुआ है। और इस घर को सवारी है हमारी माँ ने, तो उन दोनों लोगों की मेहरबानियों से, कृपा से ये घर इतना जगमगा रहा है। फिलहाल बड़े भैया हमारे हैं तो अभी नॉर्मली अपना एक छोटा सा बिजनेस करते हैं कपड़े का। और उनसे जो उनसे से जो भैया हैं यानी बीच वाले भाई, वो UPP में हैं और हम तो आपके सामने हैं, घूम रहे हैं, जिसे घुमक्कड़ी कह रहे हैं लोग, घुमक्कड़ी हैं यार, घूमने तो घुमक्कड़ी कहेंगे भी, जो कि
हमारे समाज में इसको ये घूमना, ब्लॉगिंग शूट करना, ये सब करना, ये बेवकूफना वाला काम है हमारे समाज में, घर परिवार में। खैर, जो हम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, खैर छोड़िए इन सब बातों को। अब आगे हम बढ़ रहे हैं अपने रात्रि विश्राम के लिए। यानी हमारा घर में जगह नहीं है, हमारा जगह ट्यूबवेल में है, क्योंकि वहाँ पे मोटर वोटर है और रात को नहीं सोएंगे तो यहाँ पे कब लोग लेकर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, देखना पड़ता है। तब ट्यूबवेल के पास चल रहे हैं जो कि सिवान में है, यहाँ से 700-800 मीटर दूर वहीं पर चलेंगे। चौकी पड़ी है, बिस्तर उस्तर है, पानी वानी रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ले लिए हैं, चाबी ले लिए हैं। देखिए बहुत तेज आ रहा है बंदा, बहुत तेज भाई साहब, बहुत स्पीड से बतियोग चला रहे हैं बाइक। फिलहाल इस समय चांदनी रात है और हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए हैं। घर से पास वाले अपने सिवान में करीब 700-800 मीटर की दूरी पे है। सिवान के बीचों बीच हमारा ट्यूबवेल इसी पे आ गए। हालांकि सारा अपना सिस्टम है, देख ही सकते हैं आप, टार्च जला कर रखे हैं, चौकी पे बिस्तर उस्तर अपना पड़ा है, वायर वायर इधर है, अंदर मोटर पड़ा है, पाइप वाइप लगाए हैं, तो ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल अब यहीं पे हमारा रात्रि विश्राम होगा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको आप जानते ही हो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों फिलहाल घर पे हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग शूट है, अपने घर पे मैं फर्स्ट ब्लॉग शूट किया हूँ। हालांकि इस ब्लॉग में कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे जर्नी में भी लोग नहीं किए थे, घर पे वीडियो बनाने यहाँ पर भी सपोर्ट, खैर कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों तो नहीं कह सकते क्योंकि घर पे यार भरोसा नहीं है कब शूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। शुभ रात्रि, जय माता दी।